जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है, मतलब कि आप लोगों के सवाल कोई वेब सीरीज या मूवी को लेके, तो उन्हीं कुछ सवालों और बाकी जो भी कमेंट्स है वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं और लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी जवाब चाहिए होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब से ज्यादा मैं इंस्टाग्राम पे जल्दी रिप्लाई कर देता हूं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर। जोया फातिमा जी पूछती हैं एमएक्स प्लेयर की क्राइम सस्पेंस वेब सीरीज मत्स्या कांड के सीजन 2 के बारे में, जिसका सीजन 1 नवंबर 2021 में रिलीज किया गया था और उसके बाद से ही इस सीरीज के सीजन 2 का काफी इंतजार हो रहा है, जो एक बढ़िया वेब सीरीज रही और इसके सीजन 2 को रिन्यू भी कर दिया गया था एमएक्स प्लेयर की ओर से 2022 में, बट उसके बाद से कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली, जिसके बारे में हमें कन्फर्म पता एमएक्स प्लेयर और अमेज़न के मर्जर के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमएक्स प्लेयर का ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम के साथ मर्ज होने जा रहा है, मतलब कि अमेज़न ने एमएक्स प्लेयर को अक्वायर कर लिया है अभी। तो एमएक्स प्लेयर की बहुत सारी वेब सीरीज को होल्ड कर लिया गया है जब तक उनका ये मर्ज कंप्लीट नहीं होता। इसके बाद हैप्पीनेस ने ही पूछा है चियान विक्रम की काफी टाइम पहले रिलीज हुई मूवी कोबरा के बारे में, कि ये मूवी हमें हिंदी डब में ओटीटी पे कब देखने को मिलेगी। तो अब तक इस मूवी की हिंदी डबिंग को लेके कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली है, तो जब रिलीज होगी तब रिलीज होगी, मतलब कि रिलीज होने के बाद ही हमें पता चलेगा। इसके बाद मोहम्मद फाजी जी ने पूछा है महारानी के सीजन 3 के बारे में, तो जी हाँ, महारानी का सीजन 3 हमें देखने को जरूर मिलेगा, बट अभी तक इस सीरीज के सीजन 3 को रिन्यू नहीं किया गया है, जिसकी उम्मीद कर सकते हैं कि ये सीरीज हमें 2024 मींस के नेक्स्ट ईयर में ही देखने को मिलेगी, जिसके बारे में जब भी कोई नई अपडेट आती है मैं आपको जरूर बता ही दूंगा। इसके बाद कल्पेश जी पूछते हैं जमतारा के नेक्स्ट सीजन के बारे में, जिसके 2 सीजन अभी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुके हैं, तो सीजन 3 हमें कब देखने को मिलेगा। तो अभी तक इस सीरीज के सीजन 3 को रिन्यू नहीं किया गया है, बट आएगा जरूर, जो हमें नेक्स्ट ईयर के एंड तक ही देखने को मिल सकता है। इसके बाद मोहम्मद उस्मान जी ने पूछा है चल मेरा पुत तू और बनारस मूवी के बारे में, तो बनारस को लेके अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है और ना ही किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इस मूवी को खरीदा गया है। और चल मेरा पुत तू के बारे में तो बता ही चुका हूँ कि ये मूवी हो सकता है कि हमें कभी भी ओटीटी पे ना देखने को मिले। और बाकी मोहम्मद जी लगता है कि थोड़े आहा वाले हैं, जो टॉप की यमपम वाली वेब सीरीज के बारे में पूछ रहे हैं। तो भाइयों, मोहम्मद जी को रिप्लाई करो जिनको भी यमपम वाली सीरीज के बारे में पता है, मतलब पता तो सभी को है, तो नीचे सजेस्ट कीजिए मोहम्मद उस्मान जी को मेंशन करते हुए। इसके बाद कुणाल जी ने पूछा है बहुत सारी पंजाबी मूवीज के बारे में, कि ये मूवीज हमें कब ओटीटी पे देखने को मिलेंगी। तो बता दूं कि पंजाबी मूवीज का कुछ कंफर्म नहीं होता है, कुछ मूवीज जल्दी ओटीटी पे आ जाती हैं और कुछ मूवीज कभी भी नहीं आती, तो जिसके बारे में भी जब भी कुछ पता चलता है मैं आपको जरूर अपडेट दे ही देता हूं, जो फ्यूचर में भी आपको देता ही रहूंगा। इसके बाद सुषमा कुंधारे जी ने पूछा है धारावी बैंक के पार्ट 2 के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी अपडेट दे चुका हूँ कि ये एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज है और इसका सीजन 2 रिन्यू तो कर दिया गया है, लेकिन इसकी शूटिंग भी एमएक्स प्लेयर और अमेज़न के मर्ज होने के बाद ही शुरू की जाएगी, मतलब कि ये सीरीज प्रोडक्शन के अंडर इस साल के एंड में ही आएगी, जो हमें नेक्स्ट ईयर 2024 में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद उमंग पांडे जी पूछ रहे हैं आश्रम के सीजन 4 के बारे में, जिसके बारे में भी मैं पहले अपडेट दे चुका हूं कि यह सीरीज हमें जल्दी ही देखने को मिल सकती है और ये भी एमएक्स प्लेयर की सीरीज है, जो पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो चुकी है और रिलीज के लिए रेडी भी है, जिसकी रिलीज का वेट हो रहा है तो बस अमेज़न और एमएक्स प्लेयर की मर्ज होने का, जो हमें जुलाई एंड या फिर अगस्त में देखने को मिल सकती है, ज्यादा चांस अभी अगस्त के बन रहे हैं। इसके बाद उमंग पंडित जी ने पूछा है ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर के सीजन 2 के बारे में, जो नेटफ्लिक्स की एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री माइंड बेंडिंग वेब सीरीज थी, जिसका सीजन 2 अभी आएगा तो जरूर, लेकिन हमें नेक्स्ट ईयर के शुरू में ही देखने को मिलेगा, या ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि इस साल के एंड में देखने को मिल जाए, मतलब के लास्ट क्वार्टर में, नवंबर से लेकर दिसंबर तक। इसके बाद जायेश शेख जी ने पूछा है मेड इन हेवन के सीजन 2 के बारे में, जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसकी शूटिंग भी पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ये सीरीज रिलीज के लिए रेडी भी हो चुकी है, तो अभी बस वेट हो रहा है तो सही टाइम का, बाकी देखते हैं हमें कभी भी इस सीरीज की रिलीज को लेकर कोई भी अपडेट देखने को मिल सकती है, और जब भी कुछ पता चलता है मैं आपको जरूर बता दूंगा। इसके बाद तरनजीत सिंह ने पूछा है द लेजेंड ऑफ मौला जट की ओटीटी रिलीज के बारे में, तो इस मूवी को लेके बहुत सारे क्लेम्स हुए कि ये मूवी अभी रिलीज होगी, तब रिलीज होगी, पहले इंडिया में इसे थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा, या ऐसा वैसा बहुत कुछ, लेकिन उन सब के बारे में कोई भी अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिली, तो वो सभी अपडेट्स बस अपने आप से ही बनाई गई थी, मतलब कि गूगल पे कुछ भी देख गया उसको ही लेके अपडेट दे दी गई। तो ये मूवी ओटीटी पे रिलीज की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है, बट अभी के लिए इस मूवी की ओटीटी रिलीज को लेके कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है। इसके बाद पायरेट्स ऑफ गुजरात जी ने पूछा है महानगर होयचोय के सीजन 2 के बारे में, जो होयचोय की वेब सीरीज है और ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज कर दी गई है, बट हिंदी डबिंग कब देखने को मिलेगी यही पूछा गया है। तो ये भी डिपेंड करता है अमेज़न और एमएक्स प्लेयर के मर्ज के बाद ही, मतलब कि जब तक उनका मर्ज नहीं हो जाता, या फिर होयचोय पे डायरेक्ट ही ये सीरीज हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें 1 से 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, जिसे ज्यादातर बिना किसी अनाउंसमेंट के ही रिलीज कर दिया जाएगा।
इसके बाद किसी की ओर से पूछा गया है अनदेखी के सीजन 3 और आर्या के सीजन 3 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल को चेक करें तो मैंने इन दोनों सीरीज के बारे में अपडेट ऑलरेडी दे दी है कि ये सीरीज हमें कब देखने को मिल सकती है। तो आर्या का सीजन 3 अभी पोस्ट प्रोडक्शन में चल रहा है जिसकी शूटिंग अभी पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है, तो 3 से 4 महीने पोस्ट प्रोडक्शन में, जिसके बाद अक्टूबर या नवंबर में ये सीरीज हमें देखने को मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। और अनदेखी का सीजन 3 जिसके बारे में अभी तो कोई अपडेट नहीं है लेकिन ये सीरीज बन रही है ये कन्फर्म हो चुका है, जिसे सोनी लिव की ओर से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, जो हमें इसी साल में देखने को मिलेगी। लेकिन कब देखने को मिलेगी उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर के बाद ही देखने को मिलेगी। इसके बाद रंजीत कुमार जी ने पूछा है पंचायत के सीजन 3 के बारे में, तो पंचायत के सीजन 3 की शूटिंग अभी शुरू हो चुकी है, मतलब कि शूटिंग ही शुरू हुई है, जो कम से कम 3 से 4 महीने चलेगी, मतलब कि इस साल में तो ये सीरीज हमें देखने को नहीं मिलने वाली, जिसकी शूटिंग अभी जून मंथ में ही शुरू हुई है, तो ये सीरीज हमें कम से कम जनवरी या फरवरी 2024 में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद जेपी सिंह जी ने पूछा है कि Z5 की लाल बाजार सीरीज का दूसरा सीजन हमें कब देखने को मिलेगा। तो सिंह साहब बता दूं कि इस सीरीज को रिन्यू नहीं किया गया है सीजन 2 के लिए, तो ये सीरीज हमें कभी भी देखने को नहीं मिलने वाली। इसके बाद उस्मान मजमई जी ने पूछा है 11/11 वेब सीरीज के बारे में, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही Z5 की ओर से अनाउंस किया गया है, जो एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है। तो Z5 की ओर से भी Amazon और Netflix के जैसे ही बहुत सारी बड़ी बड़ी वेब सीरीज और मूवीज को अनाउंस किया गया है, लेकिन इनकी फर्स्ट लुक रिलीज होने के बाद उसके बारे में रिलीज डेट नहीं रिवील की गई है, जो हमें इसी साल में देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारी वेब सीरीज हैं जिनको एक एक करके ही रिलीज किया जाएगा, और कौन सी सीरीज हमें पहले देखने को मिलेगी और कौन सी बाद में उसके बारे में कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते। इसके बाद एंटरटेनमेंट फुल की ओर से पूछा गया है इविल डेड राइज के बारे में। ये मूवी अभी इंग्लिश डब में तो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, अभी वेट हो रहा है तो इसकी हिंदी डबिंग का, जो हमें जुलाई मंथ में ही देखने को मिलेगी, मतलब हिंदी डब होने के बाद इस मूवी को वीडियो ऑन डिमांड पे ही रिलीज किया जाएगा, जिसके ज्यादा चांस है कि Amazon Prime के OTT प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे हमें जुलाई मंथ में हिंदी डब में देखने को मिल जाए। इसके बाद JPG अपडेट की ओर से पूछा गया है ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु की अपडेट के बारे में। तो ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु ये सीरीज का सीजन 2 अभी प्रोडक्शन में चल रहा है, जिसे नेटफ्लिक्स की ओर से रिन्यू तो ऑलरेडी कर दिया गया था। तो मुद्दे का सवाल है कि ये सीरीज हमें कब देखने को मिलेगी, तो इसी साल में देखने को मिल सकती है, लेकिन कब देखने को मिलेगी इसके बारे में कोई कन्फर्म अपडेट नहीं है, जिसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट की बात करें तो कम से कम 3 से 4 महीने का हमें और वेट करना पड़ेगा। इसके बाद कल्पेश जी की ओर से पूछा गया है अपहरण के सीजन 3 के बारे में। तो इस सीरीज का सीजन 3 अभी रिन्यू नहीं किया गया है, लेकिन अभी जैसे वुड स्लेट को जियो सिनेमा की ओर से ले लिया गया है, तो ये सीरीज भी हमें जरूर देखने को मिलेगी, जिसे जल्दी ही रिन्यू भी कर दिया जाएगा, और ये सीरीज हमें 2024 में देखने को मिल जाएगी और 2024 के मिड तक देखने को मिलेगी। इसके बाद अफजल कादरी जी की ओर से पूछा गया है डार्क सीजन के सीजन 1, 2 और 3 के बारे में, जिन्हें हिंदी डब में कब रिलीज किया जाएगा। तो ये सीरीज कभी भी हिंदी डब नहीं होने वाली, फिलहाल के लिए तो नहीं, मेरा मतलब कि अभी तक इस सीरीज को लेके हिंदी डबिंग के बारे में बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिले, जिनमें से कोई भी जेन्युइन नहीं था, सबने बस अपनी ओर से ही स्पेकुलेशन की थी कि ये अब देखने को मिल सकती है, ये कब देखने को मिल सकती है, और इसकी हिंदी डबिंग चालू हो चुकी है, लेकिन कुछ भी कन्फर्म नहीं था। इसके बाद राफी खान जी ने पूछा है जोगीरा सारारा के बारे में, जो अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है हमारे फेवरेट सिद्दीकी जी की। तो इस मूवी की OTT रिलीज के लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, जिसे जुलाई मंथ में ही OTT पे रिलीज किया जाएगा, जिसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स हो सकता है, बट अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। तो जब भी कुछ कन्फर्म पता चलता है मैं आपको जरूर अपडेट दे ही दूंगा। इसके बाद मानिक शर्मा जी की ओर से पूछा गया है अभी अभी थिएटर्स में रिलीज हुई पंजाबी क्राइम थ्रिलर मूवी मेडल के बारे में, कि ये मूवी हमें OTT पे कब देखने को मिलेगी। तो ये मूवी ज्यादातर हमें चौपल के OTT प्लेटफॉर्म पे ही देखने को मिलेगी, जिसकी रिलीज डेट अबाउट जुलाई मंथ में ही होने वाली है, जो जुलाई मंथ के एंड या फिर अगस्त मंथ के शुरू में हमें चौपल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है। लेकिन जब भी कुछ कन्फर्म अपडेट आती है मैं इसके बारे में आपको बता ही दूंगा, बट अभी के लिए इस मूवी का OTT के लिए कुछ भी कन्फर्म नहीं हुआ है। इसके बाद उमंग पंडित जी ने पूछा है द केरला स्टोरी की OTT रिलीज के बारे में, जिसकी OTT रिलीज को लेके भी 23 जून की रिलीज डेट निकले के सामने आ रही है, जिसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की ओर से कंफर्म किया जा रहा है, बट जब तक ऑफिशियल नहीं होता तब तक कुछ भी 100% कंफर्म नहीं होता। बाकी जब भी कुछ पता चलता है मैं आपको इंस्टाग्राम के थ्रू जरूर बता ही दूंगा। तो ऐसी ही और भी डेली की डेली अपडेट्स लेते रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करते रहें, जहां पे मैं रोज के रोज अपडेट देता रहता हूं, और YouTube पे ऐसी ही हर रोज मजेदार एंटरटेनमेंट की अपडेट्स देखते रहने के लिए वो छोटू सा लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।